इस टाइम आया हूँ मस्त मसाला, उस पे लिखा हुआ है चाय एंड ग्रिल। आप लोगों को होपफुली नजर आ रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में बारबेक्यू पड़ा है। अंदर जा रहे हैं, जाके इनका लगवाएंगे चॉकलेट नान। सामने तंदूर है, डायरेक्ट वहाँ पहुंचे भाई से बात करते हैं, चॉकलेट नान लगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? चॉकलेट नान लगा रहे हैं आप? ऐसा करें, एक बेहतरीन सा मुझे चॉकलेट नान लगा के दिखाएं। चॉकलेट नान लग रहा है यार मुझे ना, मेन्यू में बड़ी एक अथेंटिक चीज लग रही थी कि यार चॉकलेट नान लगवाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये ले लिया इन्होंने, आटा ले लिया जिसकी वो बता रहे हैं तकरीबन तक जो इसकी वो वेट है 250 ग्राम वेट है, और ये इसके बाद इसके अंदर चलेगी चॉकलेट अगेन से, और उसको प्रॉपरली स्प्रेड कर देते हैं ताकि हर बंदे के मुंह में हर मतलब जो भी बाइट लेंगे उसका प्रॉपर एक टेस्ट आएगा। 250 की कैटेगरी में मेरे ख्याल से मैंने चॉकलेट नान फर्स्ट टाइम अपने सिटी साहिवाल में देखा है। अगर आप लोगों ने चॉकलेट नान खाया और आप लोगों को कैसा लगता है, कहीं भी एक्सपीरियंस हुआ है तो लाजमी मेरे साथ शेयर करिएगा। बहरहाल यहाँ पे आपको साहिवाल सिटी में अवेलेबल है, आना चाहें तो लाजमी आ सकते हैं। अभी एंड पे आपको लोकेशन, प्राइस और ईच एंड एवरीथिंग सारी मैं बता दूंगा। मैदा बनाते हैं ना, इसमें दूध अंडे, ये मिल्की का बनाते हैं। अच्छा, दूध से बनता है? दूध से बनाने, मतलब पानी का कम इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल ज्यादा है, यूज ही नहीं करते इसमें, जो है ना कि हम दूध ही यूज करते हैं। जबरदस्त है, जबरदस्त। ये नान काफी लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा है ना, ये थोड़ा तजर्बे वाला काम है चॉकलेट नान लगाना, क्योंकि पहले से इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है जो इसकी चॉकलेट है वो पहले से वो मेल्टेड है, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा तंगी आएगी। इसके ऊपर तिल नहीं लगेंगे, सादा है? अच्छा, इसके ऊपर तिल लगेंगे तो आई थिंक मजा ही नहीं आएगा। बड़ा नहीं होता, बस बिल्कुल चॉकलेट नान छोटा लगेगा, बड़ा नहीं लग सकता। बड़ा लगेगा तो ज्यादा फट जाएगा, आई थिंक लगाना मुश्किल होगा। लग जाएगा लेकिन वो यानी कि उसमें ज्यादा सारे किनारे तक नहीं होगा। जबरदस्त, छोटा होगा ना जितना इसके स्लाइस करेंगे, ताकि हर बाइट के अंदर चॉकलेट आए। अच्छा, इसलिए इसको छोटा बनाया जाता है। कितनी देर लगेगी भाईजान इसको बनने में, कितना टाइम लगेगा इसको? 5-7 मिनट लगेगा। 5-8 मिनट लगे। मैं भाई के पास आया था सिर्फ चॉकलेट नान लेने के लिए, लेकिन मेरे चॉकलेट नान लगाते लगाते जो उस टाइम बिल्कुल रेडी पड़ा है, ये गार्लिक नान लग गया अंदर। भाई ने 3-4 किस्म नान लगा दिए, कहते यार सिर्फ चॉकलेट नान ही ना बताएं हमारे पास और कौन कौन सा नान है, तो मैंने कहा क्यों ना वो भी आप लोगों के साथ बताते हैं। ये भाई ने उसकी शक्ल भी रख दी है दिल वाली, ले सर ये दिल वाला ना। सर ये क्या शक्ल बना दी आपने? अब ये स्टार है, ये फ्लावर नान, ये फ्लावर नान है। ले सर क्या कहने, भाई ने कोई चीज नहीं छोड़ी, फ्लावर, दिल, लंबा सा, गोल, हर तरह का रोगना लगा दिया। हार्ट नान जो सा बनाया था वो निकल के बाहर आ गया, लंबे वाला रोगना निकल के बाहर आ गया, वो आप लोगों को नजर आ रहा है स्टार वाले शेप का नान, वो भी निकल के बाहर आएगा। मतलब जिस तरह का आप नान कहेंगे उस तरह का नान आपको अवेलेबल हो जाएगा। इतनी खूबसूरत, इसके ऊपर ऑयल भी लगाएंगे? चॉकलेट नान के ऊपर ऑयल अच्छा लगेगा जी? हल्का सा बस, भाई कह रहे हैं हल्का हल्का सा लगाना है। ले सर ये चॉकलेट नान की शक्ल निकली, इसको कट करके दिखा रहे हैं, ये चॉकलेट नान प्रॉपर कट हो रहा है। 250 इसकी प्राइस है यार, बिल्कुल एक मिठास सी आ रही इसको खाते हुए, जो कि एक बड़ा फाइन सा टेस्ट दे रही है। जस्ट एक पीस इसीलिए है ताकि जो बाकी सारा वो ऑब्वियस बात है किसी ना किसी को, मैंने कहा जो चीज मैं छोटी चीज खाऊं, ज्यादा खाऊं, कम खाऊं, जितनी भी खाऊंगा लाजमी किसी ना किसी को वो प्रोवाइड करेंगे, तो मैं ज्यादा मीठे का शौकीन भी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के लिए एक चॉकलेट नान लेके आया था। अभी इसको जाकर किसी ना किसी को डिलीवर करेंगे ताकि वो भी चॉकलेट नान एंजॉय कर सके। आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन है जीटी रोड साहिवाल, नियर पीर बुखारी कब्रिस्तान, पीर बुखारी। और अगर किसी को नहीं पता लगता तो देन इसको नहीं समझ लगती तो वो गूगल पे लिखे, गूगल मैप्स पे जाके लिखे मस्त मसाला चैन ग्रिल, एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको लोकेशन मस्त मसाला चाय एंड गूगल पे जाके लिखे तो एग्जैक्ट आपको लोकेशन मिल जाएगी, बिल्कुल आप डोर पे आ जाएंगे। राइट, अपनी जरा मुझे टाइमिंग बताइएगा, किस टाइम ओपन कर रहे हैं, किस टाइम क्लोज कर रहे हैं? हमारी 4-5 बजे से लेके रात 4 बजे, शाम को 4 बजे से लेके रात के 3-4 बजे तक जो भी चीजें आपके मेन्यू में सारी अवेलेबल है। इसके अंदर प्रॉपर एक नान पैक है, थोड़ा सा पसीना गया, स्वेटिंग हो गई है। मान लिया नान है, इनाम भी पड़ो है। रोटी खा दीजिए हाँ खाओ, फिर बोतल नान दोनों ठंडे होते हैं ना, खोलना चाहिए देख लेना है। चॉकलेट नान लगवाया बेहतरीन किस्म का, इतना जबरदस्त लगा है मुझे खा के, बड़ा मजा आया है, और मैंने एज यूजुअल किसी ना किसी को प्रोवाइड भी कर दिया है। 250 प्राइस है। अगर आप लोगों ने कभी चॉकलेट नान खाया और आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर कभी नहीं खाया तो लाजमी जाके इस बार ट्राई करिएगा, होपफुली आपको मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्ट है। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।